हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, एक्सरसाइज 17, क्वेश्चन नंबर 1 से। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कर ली और एग्जांपल 1 की थी, जिसमें हमने सारे क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज़ को समझा था कि कैसे हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अपने आने वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम एक बार स्टेटमेंट देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल ए क्या दिया हुआ है हमें? एंगल ए इज 3 टाइम्स द एंगल बी। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड इन द सेम पैरेललोग्राम, अगर आपको ए बी, इफ ए बी इज दिस एंड सी डी इज दिस, दोनों की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द सी डी। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी। देन एंगल ए क्या है? एंगल ए इज 3 टाइम्स एंगल बी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू वाई। वाई इसलिए क्योंकि एक्स वेरिएबल ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज है साइड के लिए, तो हम यहाँ पे वाई लिख लेते हैं। लेट एंगल ए बी वाई, देन एंगल बी क्या हो जाएगा आपका? 3 वाई। अब हमें इसको सबको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सॉल्व में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अब ये गिवन था तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम लिखेंगे ए डी इज पैरेलल टू बी सी। जैसे हमें पता है ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती है? पैरेलल। देन ए डी, अगर ए बी पैरेलल है, हमने प्रॉपर्टी में सीखा था, क्या सीखा था? कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो जो लाइन को कट करके जा रही वो ट्रांसवर्सल होता है, और जो ये एंगल्स होते हैं दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, वो एंगल्स क्या होते हैं? उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। आपने सीधा लिखना है ए डी बी सी के पैरेलल है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज वाई प्लस एंगल बी कितना है हमारे पास? 3 वाई। देन 3 वाई प्लस वाई हमारे पास आ गया 4 वाई। वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास? 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कटिंग करके आ गया यहाँ पे 45। देन अब हम सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू वाई थे उसकी वैल्यू, तो एंगल ए भी आ गया 45। देन एंगल बी क्या था हमारे पास? 3 वाई, दैट इज़ 3 × 45 हमारे पास आ गया 135। अब सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी भी 45 आ गया। रीज़न क्या लिखेंगे आप? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। देन बी इज इक्वल टू डी, डी भी आ गया 135, और यहाँ पे भी हम सेम लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब सेकंड पार्ट क्या था इसी क्वेश्चन का? सेकंड पार्ट में हमें ये सी डी लाइन निकालनी थी, सी डी की लेंथ निकालनी थी हमें। तो सबसे पहले हम बोलेंगे यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं? आर इक्वल। देन ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? ए बी की वैल्यू है 5x-7, देन सी डी की 3x+1। जैसे हम सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही कर देंगे। यहाँ पे 3x इस साइड आके माइनस 1, 7 यहाँ जाके हो गया प्लस, 5 में से 3 गए 2x, 7 में 1 ऐड किए 8, देन x इज इक्वल टू 8/2। इनकी कटिंग कर देते हैं, 2 1s 2 4s, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 4। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? हमें वैल्यू करनी है सी डी की फाइंड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी डी। सी डी कितने आ जाएगा हमारे पास? 3x+1, दैट इज़ 3 × 4+1, 3 × 4s 12+1, तो हमारे पास आंसर आ गया 13। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा क्या था, सबसे पहले एंगल्स पूछे थे, तो एंगल्स हमारे आ गए 45, 135, 45 एंड 135, ये 4 एंगल्स, एंड साइड सी डी इज़ 13। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है?
इन पैर क्वेश्चन क्या है हमारा, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, देर इज़ अ वन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, उसमें एंगल क्यू एंगल एस की हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं इन वेरिएबल फॉर्म, हमें इन दोनों की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है क्यू एंड आर की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू में हमें ये गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस जिसमें एंगल क्यू भी हमें बताया हुआ है दैट इज़ 4x माइनस 5 डिग्री और एंगल एस क्या है 3x प्लस 10, और हमें फाइंड करना है कौन से एंगल, एंगल क्यू एंड एंगल आर। सबसे पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल, तो सबसे हम पहले लिख लेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल, दैट इज़ एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, इसकी वैल्यू क्या है 4x माइनस 5 डिग्री और इसकी वैल्यू है 3x प्लस 10 डिग्री। अब यहाँ पे हम सिंपल लिख लेंगे 4x माइनस 5 3x प्लस 10, देन इसकी लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं 4x 3x आके इस साइड सब्ट्रैक्ट हो गया, देन 10 इधर माइनस हो रहा है 5 यहाँ पे आके 5 प्लस हो गया, 4 में से 3 गए 1x, 1 नहीं लिखना होता वेरिएबल के साथ, एज इट इज 10 में 5 ऐड किए 15। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है 15 और आप ये वैल्यू इजीली इसमें पुट कर सकते हैं एंगल्स में। अब हम एंगल q फाइंड करते हैं, सबसे पहले एंगल q क्या होगा 4x माइनस 5 दैट इज़ 4 इंटू 15 माइनस 5 15 फोर ज़ा 60 माइनस 5, तो आपके पास एंगल आ गया 55, एंगल q इज इक्वल टू 55। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये दोनों लाइन पैलर हैं, पी क्यू पैलर है, किसके पैलर है आर एस के, विच मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास, अगर ये दोनों लाइन्स पी क्यू आर एस के पैलर है ये दोनों लाइन्स, तो ये वाले एंगल्स एंगल क्यू एंड एंगल आर इन दोनों का सम क्या होगा आपके पास 180 डिग्री। जब भी कोई लाइंस पैरेलल हैं तो उनके को इंटीरियर एंगल जो अंदर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। देन अब यहाँ पे हम लिख देंगे Q की वैल्यू दैट इज़ 55 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल R क्या आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 55, देन एंगल R इज इक्वल टू 125। अब हमारे पास आ गया एंगल Q 55 एंड एंगल R इज 125, ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इन रोम्बस ए बी सी डी, अगर हमारे पास एक रोम्बस ए बी सी डी है जिसकी साइड साइड्स क्या होती है रोम्बस की सेम, अगर हमारे पास एंगल ए कितना दिया है 74, हमें निकालना है एंगल बी एंड एंगल सी। सबसे पहले हम बोलेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी बी क्या आ गया 74 डिग्री, रीज़न रोम्बस के भी ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस के भी ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। देन अगेन वो रूल इसमें भी लगेगा कि इसके ये साइड्स क्या हैं पैरेलल, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, अगर ए डी बी सी के पैरेलल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा 180 डिग्री। जब भी कोई टू लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच वाले एंगल्स जो बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल जो साथ साथ बन रहे हैं, ये ध्यान देना है कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स जो साथ हैं, ये नहीं ये और ये भी इक्वल होंगे, ये इन एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या है हमारा 74, एंगल बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एंगल बी 180 माइनस 74 दैट इज़ हमारे पास आंसर क्या आ गया 106, एंगल बी आ गया 106, ये है 74, हमने बी एंड सी दोनों फाइंड कर लिए। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है, इफ़ ए डी, अब साइड की बात कर दी, इफ़ ए डी इज 7.5 सेंटीमीटर देन फाइंड बी सी एंड सी डी, फाइंड बी सी एंड सी डी। अब देखिए आप ध्यान से, ये क्या है आपका ए डी, इस ए डी को हमें क्या दिया उन्होंने, ए डी इज 7.5 सेंटीमीटर, हमें बी सी और सी डी फाइंड करना है, तो सिंपल हम क्या लिख देंगे
ऑल साइड्स इन रोम्बस आर इक्वल, साइड साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में साइड साइड्स इक्वल होती हैं, विच मीन्स ए डी ही बी सी के इक्वल होगा और बी सी ही सी डी के, तो सबकी वैल्यू क्या आ गई 7.5 सेंटीमीटर, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, देन ऑल द साइड जो भी टू साइड पूछी थी वो भी आ गई 7.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, उन्होंने बताया कि एक आपके पास स्केयर है, इन स्केयर पी क्यू आर एस, इफ़ फर्स्ट पार्ट, इफ पी क्यू इज दिस, पी क्यू इज 3x-7 एंड क्यू आर इज x+3, देन फाइंड पी एस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्केयर की क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले कि इसकी साइड साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, साइड्स ऑफ स्केयर कितने भी साइड्स हों क्या होती हैं, आर इक्वल, अगर साइड्स ही इक्वल तो हम इजिली लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, विच मीन्स 3x-7 इज इक्वल टू x+3, देन 3x आके इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, 7 इधर जाके प्लस, 3x-x क्या आ गया आपके पास 2x, 7+3 क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 10, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। अब आपको क्या फाइंड करना था, पी एस, जो एक साइड आएगी वही सारी साइड्स की वैल्यू होगी, तो हम पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, पी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 3x-7, दैट इज 3×5-7, 3×5 = 15-7, दैट इज 8, तो आपके पास सारी साइड्स क्या आ गई 8, पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, सारी की सारी साइड्स क्या हैं 8 यूनिट है सबकी वैल्यू। देन अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा था हमें, अब सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है कि इफ़ पी आर दिस पी आर एंड क्यू एस इज इक्वल टू दिस एंड दिस, देन फाइंड क्यू एस। अब ये है क्या फिगर, क्या स्क्वायर, स्क्वायर के डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल, तो हम लिख देंगे डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के डायगनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सीधा लिख देना है पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, देन इनकी वैल्यूज लिख देते हैं 5x इज इक्वल टू 9x-8, 5x-9x इज इक्वल टू -8। अब 9 इधर आके माइनस हो गया, 9 में से 5 गए 4, माइनस का ही रहेगा, बड़े का साइन आता है, माइनस माइनस कट गए, आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 8/4, दैट इज़ 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पे, क्यू एस। अब देखिए मैं यहाँ वैल्यू पुट कर लिया क्यू एस की, 9x-8, 9 के प्लेस पे मैं 2 पुट कर दिया, 9×2=18, 18-8 इज 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है कि एक रिक्टेंगल है ए बी सी डी, जिसमें हमें एंगल बी पी सी ऑलरेडी दिया हुआ है 124, और हमें फाइंड करना है एंगल बी ए पी, दैट इज दिस एंगल बी ए पी एंड ए डी पी दिस एंगल, हमें ये दोनों एंगल्स क्या करने हैं फाइंड। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या पता है, जो हमारी रिक्टेंगल होती है उसके डायगनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब आप ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायगनल्स ऑफ रिक्टेंगल, क्या होते हैं डायगनल्स इसके, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, विच मीन्स, मैंने आपको जब हमने प्रॉपर्टी सीखी तब भी एक्सप्लेन किया था, विच मीन्स अगर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे, अगर ए सी हमारे पास बी डी के इक्वल है, तो बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है कि ए पी इक्वल होगा पी सी के एंड बी पी इक्वल होगा डी पी के। अगर ये ए पी और ये पी सी इक्वल हैं और बी पी और पी डी इक्वल हैं, विच मीन्स, और ये पूरे ए सी, पूरे का पूरा ए सी डायगनल बी डी के इक्वल है, तो ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल,
AP इज़ इक्वल टू PC इज़ इक्वल टू BP इज़ इक्वल टू DP, ये इसका प्रूफ होता है। अगर आपके आपको ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ पे लिख के नहीं दिखाना, बट आप इतना समझ सकते हैं कि जब भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए गिवन कि हमारे पास हमें ये प्रूफ करना है डायगनल्स किसी भी रेक्टेंगल के इक्वल हैं जब बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, विच मीन्स अगर डायगनल्स इक्वल और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो सारे के सारे पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब हमें यहाँ पे इसको कहाँ यूज़ करना था पहले हमने वो समझना है। सबसे पहले आपको ये नहीं पूरा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है, यहाँ पे आपने सीधा लिख देना है डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देन हम क्या लिखेंगे, अगर डायगनल इक्वल है तो हम इजीली लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल BPC, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है इन ट्रायंगल BPC दिस ट्रायंगल। अब हमने जब ये ट्रायंगल ले ली तो अभी हमने बोला कि ये सारे इक्वल है, हम यहाँ पे शो कर सकते हैं जिससे हम अपने प्रूफ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BP इज़ इक्वल टू PC, रीज़न क्या आ जाएगा, डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देन अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इट मींस जो एंगल, ये जो बेस एंगल्स हैं किसी भी, ये आइसोसेलिस ट्रायंगल हो गई, उसके बेस एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। अगर साइड्स इक्वल हैं तो बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं एंगल BPC इज इक्वल टू एंगल PBC PCB। देखो PBC जो एंगल सेंटर में जिसका नाम बताना है ना, वो आपने यहाँ पे लेना ऑलवेज सेंटर में। तो यहाँ पे भी PCB दोनों एंगल्स ले लिए, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, क्या रीजंस है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल ऑपोजिट साइड, इक्वल ऑपोजिट साइड्स, जहाँ हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल इसके दोनों साइड सेम होती है, उनके बेस एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। देन अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एंगल PBC एंड PCB दोनों सेम ही है, तो उनको हम ले लेते हैं लेट एंगल X, तो ये भी पार्ट X हो गया हमारा, ये भी X हो गया। तो यहाँ पे हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, देन एंगल X प्लस एंगल X प्लस PBC जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है दैट इज़ 180 डिग्री, ये भी एंगल X हो गया, ये भी एंगल X, X प्लस X 2X, ये हमें कितना दिया हुआ है 124। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2X 180 माइनस 124, 2X इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 56, देन 56 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, हमारे पास आ गया 28। अब x की वैल्यू 28 आ गई, ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, दिस एंगल 28। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना था, देखिए हमें फाइंड करना है BAP, ये एंगल फाइंड करना है। तो अब कैसे आ सकता है, आपने ध्यान से समझना है, ये एंगल क्या है हमारे पास 28, तो ये एंगल भी 28 है, और ये एक रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल में आपको ये एंगल पता चल गया, ये पूरा एंगल हमें ऑलरेडी पता है, ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। तो हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ऊपर से हमें दिख नहीं रहा था पूरा इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया दोबारा से, कि हमें ये एंगल अब हमने फाइंड कर लिया दैट इज़ 28, ये ऑलरेडी पूरा एंगल 90 होता है, और हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल ABC, हम यहाँ पे लिखते हैं ABC प्लस BAC, दिस एंगल BAC प्लस कौन सा एंगल होगा ये ACB, ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, एंगल B कितना है 90 डिग्री, जो सेंटर में होता है वही एंगल का नेम होता है, हमने ध्यान रखना है। एंगल A हमें फाइंड करना है एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, एंड सी दिस पार्ट ACB ये कितना दिया हमें अभी फाइंड किया है 28, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं यहाँ पे ऐड, BAC ये आ गया 8, और यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 118,
अब हमारे पास इसको माइनस करके क्या आ गया 62, तो हमारे पास एंगल BAC आ गया 62। हमें क्या फाइंड करना था, एंगल, हमें फाइंड करना था एंगल BAP। अब देखिए ध्यान से, BAP और BAC एक ही एंगल है, BAC बोल दें या हम BAP बोल दें, यही सेम एंगल बन रहा है। तो हमारे पास BAP की वैल्यू क्या आ गई है, 62 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एक और एंगल, दैट इज़ ADP। हम यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं, ADP को, ADP। अब आप ध्यान से देखिए इस फिगर में, ADP ये एंगल है ADP। अब ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। इस चैप्टर को समझने का सबसे बेस्ट वे है कि हम प्रॉपर्टीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें। हमें लाइन एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, जैसे पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल्स क्या होते हैं, कोइंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, वो भी हमें समझ होनी चाहिए सारी, जिससे हम अपने सम्स को और ईजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसे कर दें कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, इफ़ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये एंगल तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था एक्स, तो इट मीन्स ADP की वैल्यू क्या है, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू थी, दैट इज़ एक्स की वैल्यू कितनी, 28। तो ADP की भी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 28। रीज़न क्या देंगे हम, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे हमने ये पूरा सम अपना इजीली सॉल्व कर लिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ रहा है इस चैप्टर का। इन केस कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।